यार बोट ने इतना कंफ्यूज करके रखा है मेरे को और आपको कि जो बोट एडोप्स 111, 121, 131, 141, 161 अब आ चुके हैं इनके 181 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, इसका प्राइस है 1500 रुपए। हम भी कंफ्यूज है, आपको भी कंफ्यूज करके रखा है, लेकिन हम चेक करते हैं इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करके और डिटेल रिव्यू देख के कि ये कितना वर्दी प्रोडक्ट है। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे आपको बोट एयरडॉप्स 181 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का ऐसा बॉक्स मिल जाएगा, एंड बॉक्स के अंदर भी आपको यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, थोड़ा बहुत एनहांसमेंट किया गया इन्होंने पैकेजिंग में यहाँ पे। एंड बॉक्स के अंदर कंटेंट देखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1 ईयर की ब्रांड वारंटी कार्ड, साथ ही में आपको कुछ पेपर वर्क और यूजर मैनुअल मिल जाएगा, इसको आप चेकआउट करके देख सकते हैं। एंड एक टाइप सी का चार्जिंग केबल मिलेगा टू चार्ज योर ईयरबड्स केस एंड सम एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स, यू कैन यूज इट अकॉर्डिंगली। करते हैं मेन प्रोडक्ट की बात, दिस इज द ईयरबड्स केस यू विल बी गेटिंग, कॉम्पैक्ट आपको पेबल शेप का ग्लॉसी फिनिश का आपको ईयरबड्स का केस मिल जाएगा। केयरफुली इसको यूज कीजिएगा, स्क्रैचेस लगने के चांसेस हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, पोर्टेबल तरीके से इसको पॉकेट में कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा पोर्टेबिलिटी में। एंड नीचे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट टू चार्ज योर ईयरबड्स केस, एक छोटी सी आपको बैटरी इंडिकेटर लाइट मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको एक रीसेट का बटन भी मिल जाएगा, इससे आप ईयरबड्स को रीसेट कर पाएंगे। एंड इसको आप सिंगल हैंडेडली ऐसे ओपन कर पाएंगे, दोनों ही बड्स प्रॉपर तरीके से पैक्ड है, एंड जो हिंजेस है बिल्कुल हिलते नहीं है, अच्छी आपको बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी स्टडी। एंड इसमें आपको बिल्कुल प्रॉपर मैग्नेटिक लॉक से आता है, गिरने के चांसेस नहीं ईयरबड्स के केस के अंदर। बात करेंगे बर्ड्स की, बर्ड्स आपको बिल्कुल प्रॉपर स्टेम शेप के ईयरबड्स मिलेंगे, बोट की ब्रांडिंग दोनों में ही लगी हुई है, एंड जो कलर कॉम्बिनेशन है मुझे काफी रिफ्रेशिंग लग रहा है। एंड इसमें आपको काफी लाइट वेट ईयरबड्स मिलने वाले हैं, लुक एंड फील को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, अच्छी आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी भी मिल जाएगी। प्रॉपर ईयरकप्स लगाएंगे तो कानों को बिल्कुल सही तरीके से पैक करते हैं, अच्छा होल्ड करते हैं कानों में, गिरने के चांसेस नहीं, इसको आप डेफिनेटली हैवी वर्कआउट्स के टाइम यूज कर पाएंगे। एंड जो पैसिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर है अप टू द मार्क नहीं दिया गया है, आपको बैकग्राउंड नॉइस पता चलेगी ईयरबड्स लगाने के बाद भी। एंड इसमें आपको टच कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं हम आगे सब डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में। अब हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस पार्ट की, तो इस प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा ब्लूटूथ वर्जन 5.2 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट फीचर, 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी, ENX टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गॉलिंग एक्सपीरियंस, एंड बीस मोड मिल जाएगा डेडिकेटेड फॉर बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस। एंड इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, एंड चार्जिंग केस के साथ आप बर्ड्स को 3 से 4 बार चार्ज कर पाएंगे। फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, जस्ट बाय चार्जिंग 10 मिनट्स यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट्स ऑफ प्ले टाइम विद दिस ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसके स्पेसिफिकेशंस, इसका लुक एंड फील, बिल्ड क्वालिटी जस्टिफाई करता है, ऐसे मुझे इसके कोई दिक्कत नहीं लगी स्पेसिफिकेशंस पार्ट को लेके और इसके बिल्ड क्वालिटी को लेके पर्टिकुलरली। बात करेंगे इसके टच कंट्रोल्स की, टच कंट्रोल्स का हिसाब किताब ऐसा है कि अगर आप किसी भी ईयरबड को सिंगल टैप करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, म्यूजिक पॉज होगा सिंगल टैप करने से किसी भी ईयरबड को, एंड आंसर कॉल करने के लिए सिंगल टैप करेंगे फिर से किसी भी ईयरबड को तो आंसर कॉल हो जाएगा, कॉल रिजेक्ट करने के लिए किसी भी ईयरबड को आप डबल टैप करेंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा, लेफ्ट ईयरबड को डबल टैप करेंगे तो प्रीवियस ट्रैक पर जाएगा, राइट ईयरबड को डबल टैप करेंगे तो नेक्स्ट ट्रैक पर जाएगा, एंड लेफ्ट ईयरबड को आप 3 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वॉइस असिस्टेंट फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। एंड इसमें आपको मिलने वाला है डेडिकेटेड बीच मोड फॉर गेमिंग एक्सपीरियंस, राइट ईयरबड को अगर आप 3 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये बीच मोड में एंटर कर जाएगा, गेमिंग मोड में एंटर कर जाएगा, फिर से अगर आप 3 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये गेम मोड से एग्जिट कर जाएगा। एंड इसमें आपको वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं दिया गया, वॉल्यूम आपको मोबाइल फोन के थ्रू ही कंट्रोल करना पड़ेगा। बात करेंगे गेमिंग एक्सपीरियंस की, मैं आपको एक गेम टेस्ट देता हूं इसका बीच मोड ऑन करके ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा इससे आपको लेटेंसी कितने मिलने वाली है। फिर मैंने बीस मोड ऑन करके वन प्लस 9R में BGMI खेला और मुझे गेमिंग एक्सपीरियंस में अच्छा मिल गया, मेरी जो इन ऑडियो एक्सपीरियंस है वो मुझे अच्छा मिला, लेफ्ट राइट का सेपरेशन बढ़िया दिया गया है, आपको लगेगा बिल्कुल आप एक सराउंडिंग एनवायरनमेंट में गेम खेल रहे हैं, लेकिन लेटेंसी मुझे अच्छी मिली, मैं थोड़ी बहुत हल्की हल्की आप बोल सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट गेमिंग एक्सपीरियंस नहीं लगा मुझे, कहीं ना कहीं मुझे हल्का हल्का लैग देखने को मिल रहा था। अगर आप हार्डकोर गेमर है बिल्कुल तो मैं बोलूंगा आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल गेम्स खेलते हैं, हैवी गेम्स भी खेलते हैं थोड़े टाइम तक, तो इसको ऑप्शन में रख सकते हैं, बिल्कुल अप टू द मार्क परफेक्ट गेमिंग एक्सपीरियंस बोलते ना वो मुझे इसमें थोड़ा बहुत मिसिंग लगा। बात करेंगे मेन साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की।
इसमें आपको मिलने वाले हैं 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, लाउडनेस आपको अच्छी मिल जाएगी, लेकिन जो क्रिस्प और क्लियर म्यूजिक एक्सपीरियंस बोलते हैं वो आपको इसमें थोड़ा बहुत मिसिंग लग सकता है। अगर आप बिल्कुल हार्डकोर म्यूजिक लवर है तो जो इंस्ट्रूमेंट्स का सेपरेशन है वो मुझे थोड़ा बहुत डगमगाया लगा, इतने क्लियर इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ नहीं आ पा रही थी मुझे। डिसेंट आप अच्छे म्यूजिक एक्सपीरियंस के लिए ले पाएंगे, लेकिन अगर आपको बिल्कुल डिटेलिंग चाहिए, क्रिस्प म्यूजिक एक्सपीरियंस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए बिल्कुल आपको वोकल्स में, इंस्ट्रूमेंट्स में, वो आपको थोड़ी बहुत मिसिंग लग सकती है इसमें। बात करेंगे बेस की, बेस इसमें अच्छा दिया गया है, डिसेंट है, बहुत ज़्यादा पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं है। अगर आप बिल्कुल प्योरली बेस लवर हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत मिसिंग बेस लगे, लेकिन डिसेंट आपको अच्छे अच्छे हल्के फुल्के सराउंडिंग बेस इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे। बात करेंगे कॉलिंग की, मैं आपको एक कॉलिंग रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, मैं अपने फ्रेंड को कॉल करके रिकॉर्ड किया था, उसकी आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि इससे कॉलिंग एक्सपीरियंस आपको कैसे मिलने वाला है। हेलो सिद्धांत, कैसे हो? बढ़िया भैया। सिद्धांत, अभी बहुत ईयरबड्स 181 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च हुए हैं, मैं इनसे भी लगा के कनेक्ट करके आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज कैसे आ रही है? अभी आपकी आवाज तो अच्छी आ रही है। मेरी आवाज क्लियर है जी? और अभी मैं अपनी बालकनी में हूँ, बैकग्राउंड की आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। मतलब ज्यादा आवाज किसकी आ रही है, मेरी आ रही है कि बैकग्राउंड की आ रही है? मिक्स होके आ रही है, बैकग्राउंड की भी आ रही है, आपकी भी आ रही है। अच्छा, बैकग्राउंड की आपको पता चला एक्टिविटीज क्या हो रही है? हाँ बोल रहा है कोई। सर, इसमें आपको मिलने वाला है ENX टेक्नोलॉजी कॉल रिकॉर्डिंग, सुनकर आपको अंदाजा लग सकता है इससे कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसे मिलने वाला है, लेकिन जो ENX टेक्नोलॉजी है मेरे हिसाब से अप टू द मार्क वर्क नहीं करी, क्योंकि सामने वाले को बैकग्राउंड नॉइज भी पता चल रही थी एक्जैक्टली क्या मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है, हालांकि मैं बालकनी में खड़ा हुआ था। अगर आप नॉइजी एनवायरमेंट में है तो सामने वालों काफी हद तक दिक्कत फेस होगी कॉलिंग को लेके। सो इसमें आपको डिसेंट इंडोर में अच्छी कॉलिंग मिल जाएगी, और नॉर्मल आउटडोर कंडीशन में अगर आप ज्यादा नॉइजी एनवायरमेंट में नहीं है तो इसमें आपको डिसेंट कॉलिंग मिल जाएगी, परफेक्ट कॉलिंग इसमें आपको हो सकता है नहीं मिले। अब हम करेंगे रेटिंग साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। सो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 7 out of 10, मैं बेस क्वालिटी को भी दूंगा 7 out of 10, और मैं कॉल क्वालिटी को भी दूंगा 7 out of 10। दीस आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ईयरबड्स, अप्रॉक्सिमेटली 1500 रुपए। सर, 1500 के हिसाब से ये डिसेंट पैकेज है अगर आपको एक बोट ब्रांडिंग की तरफ जाना है। लुक एंड फील को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं दिया गया है, लुक एंड फील आपको परफेक्ट मिल जाएगा, बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी, लेकिन जो बोलते हैं ना कि म्यूजिक एक्सपीरियंस बिल्कुल परफेक्ट नहीं मिल पाएगा, अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, डिसेंट बेस मिल जाएगा और डिसेंट आपको कॉलिंग मिलेगी, बिल्कुल परफेक्ट हर चीज़ें परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक डिसेंट ऑप्शन इसको आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। अगर आपको अच्छा लगा प्रोडक्ट तो सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जितना जल्दी हो पाएगा उसका रिप्लाई कर दूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च बोट एयरडॉप्स 181 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।